गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। और आज मैं काफ़ी दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। नियरली हो जाएगा 10 दिन या 15 दिन हो जाएगा शायद मैं उसके बाद से ब्लॉग बना रही हूँ। मेरा लाइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा देखा एडजस्ट कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है ना, आज मौसम बहुत ही अजीब सा हुआ है। देखिए पूरा क्लाउडी, बाहर पूरा क्लाउडी है, तो इसलिए लाइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। और एक्चुअली क्या है ना, मैं 15 दिन या 20 दिन हो गया बिल्कुल ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। आयु का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, यहाँ आके ही उसका तबीयत इतना ख़राब हो गया था कि मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई। तो बस ऐसे ही मैं बोली छोड़ो कोई बात नहीं, अच्छे आयु का तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद मैं ब्लॉग बनाऊँ। तो आज मुझे लग रहा है कि उसका तबीयत ठीक है, तो मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग बनाना। आज का कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा प्लान है, देखते हैं क्या बंद होता है क्या नहीं, क्योंकि बारिश आ गई है। अगर बारिश नहीं आता तो हो जाता शायद, फिर भी देखते हैं। अगर जो भी होगा करेंगे, मस्ती तो करेंगे घर आए हैं। तो मैं अभी जाने वाली हूँ, एक्चुअली अभी मैं आयु को खिलाऊंगी, उसके बाद नहाऊंगी। नहाने से पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लूँगी, क्योंकि मैं 15 दिन से एक्सरसाइज भी बंद है मेरा। तो आज थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी, फिर देखते हैं क्या क्या करेंगे। तो बस मैं अभी थोड़ा देर के बाद मिलती हूँ आप लोग से। मैं आयु के लिए खाना बनाने वाली हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं बनाने वाली हूँ उसका चूड़ा को मैं ग्राइंड करके रखी हूँ, ड्राई रोस्ट करके। तो वो खाने वाला, उसको तबीयत ख़राब था ना, तो वो कुछ भी खा नहीं रहा है अभी, बहुत दिक्कत है उसको खिलाना। तो बस मैं अभी इसको खिलाने वाली हूँ। और यहाँ पर आयु बदमाशी कर रहा है, हाय करो हाय करो हाय करो हाय हाय हाय। तो बस अभी मैं थोड़ा सा बनाने वाली हूँ खाना, तो पहले बना लेते हैं। तो मैं एक कटोरी में ले ले रही हूँ मिल्क थोड़ा सा लूँगी और उसमें ऐड करूँगी जो हम लोग का चूड़ा का पाउडर है उसको 3 चम्मच ऐड कर लूँगी, और चीनी ऐड कर लूँगी। नॉर्मली मैं गुड़ ऐड करती हूँ, पर आज गुड़ ख़त्म हो गया है तो फिर चीनी ऐड कर लूँगी। तो बस सारे चीज़ को मिक्स कर लेना है और उसको एक बॉयल दे देना है, और आयु का खाना रेडी हो जाएगा। तो गाइस आयु का खाना हो गया है, अभी मैं उसको नहलाने वाली हूँ। एक्चुअली क्या है ना, उसको 3 दिन हो गया, उसको छोटी माता जो होता है, छोटा चेचक भी उसे बोलते हैं, तो वो आ गया था। तो उसको बहुत, एक्चुअली 15 दिन हो गया, बहुत कुछ उसको हो गया था बुखार। पहले हमने उसको वैक्सीन दिए, जो 1.5 साल में होता है वैक्सीन लेते हैं वो दिए। उसके बाद उसको बुखार आया 2-3 दिन, फिर उसके बाद मतलब एक दिन छूटा, फिर से बुखार आने लगा। फिर उसके बाद ये छोटी माता जो बोलते हैं वो आ गया था। तो अभी 10-15 दिन से उसका तबीयत बहुत ख़राब हो गया था और बहुत ज़्यादा वीक भी हो गया है। तो बस आज उसका चेचक, जो छोटा चेचक, वो ख़त्म हो गया है पूरा, मतलब पूरा क्लीन हो गया उसका बॉडी। तो उसको आज हम लोग का एक रिवाज होता है कि हम लोग हल्दी तेल और नीम पत्ता से लगा के उसको नहलाते हैं। पर जबकि मतलब मौसम भी बहुत क्लाउडी हुआ है, तो अभी नहलाना सही आइडिया नहीं होगा, मैं भी हो सकता है फिर से बुखार आ जाए। तो हम उसको गर्म पानी से पोंछ देंगे और जो भी रिवाज है थोड़ा बहुत वो कर लेंगे। तो चलिए अभी मैं इसको नहला देती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें मैं निकाल ली हूँ, अभी हम उसको लगाएंगे। चलिए चलते हैं। आयु इधर आवा, कपड़ा ना भी फिर अच्छी दोष। सो गाइज आयु सो गया है, वो एक्चुअली नहाने के बाद थोड़ा सो जाता है, और वो काफ़ी सुबह से भी उठा था, नियरली हो गया 5 बजे वो उठ गया था। फिर उस समय से वो खेल रहा, तो अभी उसको पूरा टायर्ड हो गया था, तो वो सो गया। 5 मिनट भी लगाने मुझे उसको सुलाने के लिए। नॉर्मली क्या होता है ना, मैं उसको झुलाती हूँ फिर सोता है, नियरली आधा घंटा तो लग ही जाता है उसको सुलाने में। तो पर आज बहुत जल्दी सो गया, तो वो अच्छी बात है। अभी मैं थोड़ा सा जाऊँगी वर्कआउट करूँगी, फिर नहा लूँगी। अभी तक मैं नहा ही नहीं हूँ, नियरली हो गया 10 बज गया है अभी, तो मैं नहा ही नहीं हूँ। मैं नहा लूँगी, पर पहले अभी थोड़ा चाय पीऊँगी, क्योंकि मेरी बहन बोल रही है आओ थोड़ा चाय पियेंगे। तो बस आज मौसम भी थोड़ा सा क्लाउडी क्लाउडी है ना, तो मन करा चाय पीने का।
अभी दाना चाय पी लेती हूँ मैं। और ये है चाय, और ये फेमस मिक्सचर है यहाँ पे, मतलब कटक का वो बहुत फेमस है, मतलब पूरा उड़ीसा में कटक आते हैं मिक्सचर लेने के लिए, तो ये काफ़ी टेस्टी होता है। और यहाँ भैया खा रहे हैं। सो गाइस, मेरा अभी वर्कआउट कंप्लीट हो गया, मैं ज़्यादा की नहीं, 30 मिनट्स ही वर्कआउट की, कार्डियो थोड़ा सा ज़्यादा कर ली और थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग कर ली थोड़ा थोड़ा ही, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद कर रही हूँ ना, तो ज़्यादा करना इज़ नॉट गुड आइडिया, तो इसलिए बस मैं थोड़ा थोड़ा वर्कआउट कर ली हूँ, नियरली 30 मिनट्स कर ली हूँ। और चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये मेरा ट्रेडमिल, ये मैं जब मेरा शादी नहीं हुआ था तब मैं ये ट्रेडमिल यूज़ करती थी, हम ये खरीदे थे 2015 में। तो बस मैं और मेरी बहन इतना क्रेज़ी, अभी इसका हालत कितना ख़राब है देखिए, मतलब मैं और बहन इतना इसमें ट्रेडमिल के, मैनुअल है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो बस इसमें हम लोग वर्कआउट कर करके हम लोग का बहुत वेट लूज़ हो गया था। और अभी देखिए इसका हालत क्या है, कोई यूज़ ही नहीं करता, मेरी बहन भी अपना अलग वर्कआउट कर लेती है, भैया जिम चल जाते हैं, और मैं घर में यहाँ तो ऐसे ही मैं जो वर्कआउट नॉर्मली करती हूँ वही कर ली, तो इसका कोई इज्जत नहीं। पहले क्या होता था ना, पहले हम लोग के घर के अंदर ये रखा जाता था, इसको इतना इज्जत मिलता था, अभी ये हम लोग के बाहर पड़ा हुआ है, ये एक मतलब वन टाइम जोक है, क्योंकि इसके लिए हम लोग इतना क्रेज़ी थे हम लोग, मतलब इसको खरीदने के लिए हम लोग इतना घूमे थे, मेरे और मेरी बहन मत बोलिए। और बस मैं दिखाती हूँ कहाँ पर इसको रखते थे, घर के अंदर, मतलब इसको ना हम लोग बेडरूम में रखते थे। चलिए मैं दिखाती हूँ, पहले हम लोग यहाँ पे रखे, ओके यहाँ पे रखे हैं, तो यहाँ पे पहले हम लोग, मेरे भैया मेरी बहन काम करते हैं, ये अभी ऑफिस रूम है, पर पहले ये ऑफिस रूम नहीं था, यहाँ पे एक बेड, यहाँ पे बेड था, और यहाँ पे मैं ट्रेडमिल रखी हुई थी, यहाँ पे मैं सोती थी, और यहाँ उठ के वर्कआउट करती, मतलब सुबह सुबह उठते ही वर्कआउट स्टार्ट, इतना हम लोग क्रेजी थे वर्कआउट के लिए, और मैं और मेरी बहन हमेशा झगड़ा करते थे उसके लिए, वर्कआउट करने के लिए। सो गाइज, अभी मैं जाऊँगी नहाने, अभी बज गया 11:30 या 11:45 हो रहा है कुछ इस टाइम हो रहा है, क्योंकि मैं 11 बजे स्टार्ट की थी वर्कआउट, तो आधा घंटा की हूँ, तो वैसे ही उसी टाइम ही होता होगा, मुझे अभी टाइम पता नहीं है, तो मैं अभी जाऊँगी नहाने, फिर आके आयु को उठाऊँगी और उसको खिलाऊँगी, तो मैं अभी जाती हूँ नहाने। सो गाइज, मैं नहा के आ गई हूँ, और अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आयु को खिला दो, क्योंकि आयु भी उठ गया है, देखिए क्या कर रहा है, ओए तो वो उठ गया है, तो अभी उसको खाने का टाइम ही हो गया, क्योंकि 12 बज चुका है, तो मैं भी उसको खिला दूंगी। और मेरे बाल थोड़े से भीगे भीगे हैं, मैं ड्रायर यूज़ नहीं कर रही हूँ, ड्रायर यूज़ करने से बाल फट जाते हैं ना, तो मैं इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं, कभी कभी होता है कि कहीं अर्जेंटली जाना होता है बाहर, तो उस समय मैं ड्रायर यूज़ कर लेती हूँ, पर नॉर्मली मैं करती नहीं हूँ, तो बस मैं अभी जाती हूँ खिला देती हूँ इसको, फिर उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं, एक्चुअली थोड़ा सा आयु के लिए शॉपिंग करना है, उसका कुछ कपड़े खरीदने हैं, तो बस उसके लिए हम लोग जा रहे हैं, आयु घर में ही रहेगा मम्मी के पास, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, लगभग 1.5 घंटा लगेगा हम लोग शॉपिंग करने के लिए, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज कटक सिटी। सो गाइज, ये है कटक का फेमस चाट, और आज हम लोग सोच रहे हैं कि घर ले जाएंगे चाट सबके लिए, क्योंकि हम लोगों सबको बहुत पसंद है चाट यहाँ का। बस हम लोग का चाट प्रिपेयर हो रहा है, अभी थोड़ा देर में रेडी हो जाएगा और हम लोग लेके घर चल जाएंगे। Thank you.
सो गाइस हम लोग मार्केट से आ गए हैं। आप लोगों को कुछ सुनाई देता होगा, बैकग्राउंड में कुछ म्यूज़िक चल रहा है। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग के घर के पास एक मंदिर है और वहीं पे ही हो रहा है पूजा, कुछ हो रहा है पूजा, तो जिसकी वजह से कुछ चल रहा है, भजन चल रहा है। तो शायद हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई ना दे। तो बस मैं हम लोग आ गए हैं, हम लोग जो लेके आए थे खाना बस वही खा लेंगे आज डिनर में। और थोड़ा सा काम है एक्चुअली, क्या है ना कल मेरे हस्बैंड जा रहे हैं वापस चेन्नई, तो मैं सोच रही हूँ कि उनके लिए नारियल के लड्डू बना दूँ। वो लेके आए थे मेरे ससुराल जो है ना, उनका मैं ससुराल इन पास में ही है, तो वहाँ पे नारियल बहुत सारा हुआ था तो वो लेके आए थे। तो मैं सोची कि नारियल इतना दूर लेके जाना में भी हो सकता है कि फट जाए या फिर ओवरवेट भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, तो इसलिए मैं सोची कि नारियल को लड्डू बनाता तो इजीली वो ले जा सकते हैं। तो मैं भी होगा तो हम लोग का डिनर वो करके फिर मैं नारियल को लड्डू बनाऊंगी, क्योंकि वो कल शाम को उनका फ्लाइट है तो वो कल शाम को चल जाएंगे। और यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिल रहे हैं हम लोग। हाँ, काफी लगभग 15 दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। इतना बिजी हो गए हम लोग, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ काम हो रहा है। आयु का तबीयत भी बहुत खराब था बीच में, तो हम लोग इतना भी टाइम नहीं निकाल पा रहे थे कि थोड़ा सा बात करके आपसे शेयर करें कुछ हमारा डेली लाइफ का कुछ, पर सॉरी उसके लिए। और आज से फिर से हम शुरू कर रहे हैं, होप अभी कंटिन्यू चले हम लोग का ब्लॉगिंग, क्योंकि मेरा कभी कंटिन्यू हो ही नहीं रहा है। तो बस अभी हम लोग डिनर करने वाले, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हे गाइस, और आज है नेक्स्ट डे, और कल रात का क्या हुआ ना, मुझे बहुत सर दर्द होने लगी और मैं जो नारियल को बनाना था नारियल का लड्डू वो बना नहीं पाई। मैं मेरी मम्मी बोली कि नहीं तुम सो जाओ, शायद नींद आ रहा है इसलिए तुमको सर दर्द बहुत हो रहा है। तो मैं और कुछ कर नहीं पाई, तो मैं बस अभी सोची कि चलो ठीक है नेक्स्ट डे बनाते हैं। तो बस आज मैं बनाने वाली, अभी मैं चाय पीऊँगी, मेरा चाय आ चुका है, चाय। और कल जो जैसे मैं बताई थी नमकीन, वो ही हम लोग ब्रेकफास्ट में, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं, हम लोग का दिन का शुरुआत वैसा होता है, चाय और नमकीन कुछ मिक्सचर लेके खाते हैं और फिर भी ब्रेकफास्ट लेट में करते हैं वैसे है। तो बस अभी मैं थोड़ा चाय पीने वाली हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी नारियल का लड्डू बनाऊँगी और थोड़ा सा पैकिंग भी करना है। मेरे हस्बैंड का वो गए हुए थे, उनका थोड़ा उनका काम है तो वो गए हुए हैं, फिर नियरली 4:30 बजे हम लोग निकल जाएंगे। तो बस मैं अभी चाय पी के जल्दी से जाऊँगी बनाने के लिए, तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ। सो गाइस, ये सारे नारियल है, नियरली है 8 नारियल है, मैं 8 नारियल का आज नारियल लड्डू बनाने वाली। एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैं इतना सारा नारियल का नारियल लड्डू बनाने वाली हूँ, तो थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ मैं। तो अभी बस मैं इसको सारा आपको तोड़ लूँगी, और इसमें है मेरा ग्रीडर, इससे मैं ग्रीड कर लूँगी। तो पहले चलिए तोड़ते हैं। एक्चुअली क्या है ना, इसको रख के उड़ीसा में, दूसरा स्टेट का पता नहीं मुझे, पर उड़ीसा में इसको रख के तोड़ते हैं नारियल, इसको हटा के नारियल तोड़ते नहीं है, तो मैं गलती से तोड़ दी, उसको तोड़ना नहीं है मुझे। तो इसको मैं पहले तोड़ लूँगी इसके साथ, फिर इसको हटा देना है, जब मैं इसको ग्रीड करूँगी तब हटा दूँगी। तो पहले हम लोग इसको तोड़ते हैं। तो गाइस मैं इससे नारियल तोड़ने वाली हूँ, तो नारियल तोड़ने से पहले एक चीज़ करना है मुझे। तो मैं यहाँ पे कटोरी में पानी ले ली हूँ, और पानी लेके इसको इस तरह एक घाई राउंड शेप में दे देना है, क्योंकि मुझे नारियल को ना शेप में तोड़ना है। अगर शेप में नहीं तोड़ूंगी ना तो ग्रीड करने में इजी नहीं होगा, तो मुझे शेप में तोड़ने के लिए ऐसा कर लेना है, इससे शेप से कट जाता, मतलब टूट जाता है ना नारियल। पूरा राउंड शेप दे देना, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया पर कोई बात नहीं, राउंड से हो जाएगा। इस तरह से मैं इसको तोड़ूंगी, सुबह साफ कर दें। मैं ऐसा करते करते मेरा हाथ दर्द होने लगा पर ये फूट नहीं रहा, तो अब हम लोग अभी दूसरा ट्रिक ट्राई करेंगे। इसको साइड करते हैं, इसको नीचे में से तोड़ देंगे। ओप्स, हो गया, दूसरा ट्रिक काम कर गया। देखिए कितना सेफ से हुआ है, टूटा है,
इस तरह अगर पानी हम दे के तोड़ते हैं तो ऐसे ही नारियल सेब से टूटता है, और इससे ग्रीड करना भी इजी रहता है। जब हाँ ठीक है, तुम्हें कौन को था यो? सो गाइस, ये मैं बस चार ही कर पाई और चार मेरे से हुआ नहीं, मेरा पूरा हाथ रेड हो गया आप देख सकते हैं। तो बस अभी मैं चार कर लूँगी, चार को मैं बोलूँगी कि वो ऐसे ही ले जाए चलने, जो करना करेंगे। तो गाइस, ये है चार नारियल जिसको मैं ग्रीड की हूँ, और चार में सकी नहीं तो मैं बोली छोड़ो नहीं करना। और ये मैं ली हूँ गुड़ नियरली 750 ग्राम्स। तो अभी इसको दोनों को मिक्स करके मैं कढ़ाई में, इस कढ़ाई में बिठा दूँगी, और फिर थोड़ा सा मतलब इसको मिक्स करते करते हो जाए तो वो हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको अभी मिक्स कर ली हूँ, मैं गैस ऑन नहीं की हूँ अभी तक, तो अभी मिक्स कर ली, अभी गैस ऑन करूँगी। अभी इसको कुछ नहीं, बस मिक्स करते रहना है, क्योंकि अगर हम लोग मिक्स नहीं करेंगे तो नीचे से लग जाने के चांसेस है। तो अभी इसको बस ऐसे ही मिक्स करते रहना है। ये गुड़ मेल्ट हो गया है, अभी जो गुड़ का पानी आएगा उससे पकेगा, जब वो ड्राई हो जाएगा तो हम लोग का नारियल का लड्डू रेडी हो जाएगा। तो अभी मैं इसको लगातार चलाती रहूँगी, और मेरा नारियल का लड्डू का मिक्स जो वो रेडी हो गया है, अभी मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी, फिर उसके बाद उसको लड्डू के साथ में बना लूँगी। सो गाइज, आज का वीडियो में यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड स्टे ट्यून्ड नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय, लव यू।